नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 11वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम की शानदार शुरुआत की गई, जिसमें जर्नलिज्म द्वारा प्यार, शांति और एकता का संदेश दिया गया। पहले दिन के पहले सत्र की शुरुआत भारतीय संस्कृति के अनुसार द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी और फिल्म जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए शहीद भगत सिंह फोरम पोस्टर रिलीज किया गया। इस कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा, डॉक्टर अब्बास नसेरी ताहिरी, संवाददाता इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग, अल्फ्रेडो काल्डेरा, चार्ज द अफेयर्स एम्बेसी ऑफ वेनेजुएला, जेन अचुंग ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर, हेकी रंता अध्यक्ष फिनकम, वरुण सूरी मॉडल और अभिनेता, निदा अहमद पत्रकार और एंकर, कुमार राकेश सीनियर पत्रकार, नरेंद्र गुप्ता फिल्म पत्रकार, डॉक्टर अजय कुमार फेस्टिवल डायरेक्टर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में अल्फ्रेडो काल्डेरा चार्ज्ड अफेयर्स एम्बेसी ऑफ वेनेजुएला मौजूद रहे, जिसमें लाइफ इन अ डांस फ्रॉम वेनेजुएला फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। इस कार्यक्रम में ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अल्फ्रेडो काल्डेरा चार्ज्ड अफेयर्स को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत खुशी की बात है कि हम लोग 11वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम को मना रहे हैं। मीडिया कम्युनिकेशन का एक माध्यम है जो इन इंफॉर्मेशन को जनता तक ब्रॉडकास्ट करता है। बड़े दर्शकों के लिए टारगेटेड किसी भी मीडिया को मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। पत्रकार का काम है जनहित में महत्वपूर्ण नई जानकारी को उजागर करना और इस जानकारी को एक संदर्भ में रखना। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से प्रश्न किए और उसके जवाब पाए। बता दें कि प्रदर्शनी हॉल में AAFT स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स द्वारा स्टिल फोटोग्राफी की प्रदर्शनी भी लगाई गई। फोटोग्राफी प्रदर्शनी का उद्घाटन डॉक्टर संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया। सभी अतिथिगण ने स्टूडेंट्स के स्टिल फोटोग्राफी की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम में आए सभी अतिथिगण को ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण डॉक्टर संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का अजय कुमार फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। Afro Caldera Embassy to Venezuela. It's very important to Venezuela participate in this important event, the second important festival documentary in India. Participate about the documentary in co-production to Venezuela and Spain about the bailador flamenco David Morales. It's very important because this bailador is an important dancer in Spain, and he has a show to Bolivar for us, for Venezuela. It's a very important, he's a father to the country, and it's very interesting mix to dancer Venezuela and dancer Spain, and make a documentary films speak about the life to the bailador and speak to the relation between two countries, Spain and Venezuela. It's a pleasure continuing exhibition the movies to Venezuela and India, and will make
soon and co-producer to Venezuela and India. 12 साल पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर की एक योजना तैयार की थी और ये बड़ा हर्ष से कह सकता हूँ कि आज इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो चुकी है और तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा लोग जो जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या अपनी संस्थाओं के जरिए इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ अब तक जुड़ चुके हैं। 12 साल पहले इसी संस्था ने यह तय किया था कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसे यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया हो, तो हम लोगों ने यह तय किया कि 12 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म अब मनाया करेंगे और पिछले 12 साल से हम लोग इसे मना रहे हैं। आज ये 11वां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म है। इसी 12 फरवरी को इज्जत देने के लिए और पूरा ऑनर देने के लिए हम लोगों ने देश का पहला, एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जर्नलिज्म फेस्टिवल शुरू किया है। और मुझे नहीं पता कि इस वक्त पहला जो इटली में होता था वो कहाँ तक पहुँचा है, लेकिन मैं इतने हर्ष और उल्लास के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारा 11वां एडिशन है ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का और देश भर और दुनिया भर से लोग इस वक्त यहाँ पर मारवा स्टूडियो के प्रांगण में पहुँच चुके हैं और लोग जर्नलिज्म को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी हमने एक वर्कशॉप की ओपनिंग की है और इसी के साथ हमने ओपनिंग की है वेनेजुएला से आई हुई डॉक्यूमेंट्री की, जिसे चार्ज डी अफेयर एल्फर्ट जी ने अभी उसकी ओपनिंग की है और ये फिल्म जिसका नाम है लाइफ इन अ डांस वो अब शुरू हो चुकी है और इस तरीके से 9 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को इस फेस्टिवल में दिखाया जाएगा। करीब 10 से भी ज़्यादा वर्कशॉप हैं और 6 से भी ज़्यादा एग्जीबिशंस हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। कुल मिलाकर करीब 38 प्रोग्राम 3 दिन के अंदर यहाँ से प्रदर्शित और दर्शित होंगे। सबसे पहले तो मैं मारवा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, ये हमारे लिए भी बहुत हमारे लिए भी बहुत मानने वाले होते हैं क्योंकि हमें बहुत ऊर्जा मिलती है क्योंकि यूथ को देख के आने वाले काम अपने हमारे जो होते हैं हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का काम करना चाहिए, कि यूथ किस तरफ प्रभावित हो रहा है तो हमें कैसा काम करना चाहिए। तो इसके लिए ऐसे इवेंट्स में आना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर मेरा फर्स्ट टाइम है ये और बहुत ही मज़ेदार हो रहा है क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ, अभी मैंने एग्जीबिशंस देखी, नीचे जर्नलिज्म का था, अभी बाहर स्ट्रीट प्लेज हो रहे हैं तो बहुत कई सारे रंगों का संगम है ये, तो मज़ा आ रहा है। हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री राम। माय नेम इज जनाजंग, आई एम फ्रॉम सोल साउथ कोरिया एंड आई एम ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर टू प्रमोट द लव एंड पीस एंड यूनिटी। How's your experience at Marwa Studio? Oh, Marwa Studio, I'm very impressed with the many wonderful exhibitions and events and forums and all the ceremonies hosted by Marwa Studio. My name is Heikki Ranta. I come from South Korea, although I am born in Finland. I would say that this conference, 11th Conference of Journalism, I'm very happy to be here. And first of all, I want to say that I want you to understand that press, freedom of press is very important. And I hope you, as a young student, you defend the freedom of press here in India, but also wherever you cover stories. In Finland, we think that we have a very free press. In South Korea also, we can easily criticize our politicians, but we are not allowed to hate people or speak of hatred. That is something you have to avoid. Sandeep Sarji ka 11 saal hai aur successfully unhone journalism pe hamesha organize kiya hai aur 70 courses jo chala rahe hain, heads up to him. Aur latest jo unhone shuru kiya hai still photography जो आज की डेट में पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। बॉलीवुड में मुझे नहीं लगता कि कोई नामी स्टिल फोटोग्राफर है। जो उन्होंने इस नए कैरियर को रिवाइव किया, दैट इज़ समथिंग रियली कमेंडेबल। मैं इस आयोजन में अक्सर आता रहा हूँ। सबसे पहले बार मैं 11 साल पहले आया था
और उस समय और आज के समय में बहुत चेंज है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हो गया, कोर्सेज बहुत हो गए हैं, और पहले लोग यहाँ जो आते थे उनको ये नहीं नज़र आता था कि आगे कैरियर क्या होगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया का जो प्रमोशन हुआ है 2010 के बाद वो कोई सोच भी नहीं सकता था। मेरा ये मानना है कि किसी भी आप प्लेटफॉर्म को नए रूप में ला सकते हो, पर जर्नलिज्म वही रहेगा, जर्नलिस्ट वही रहेगा, विचार वही रहेंगे और जिज्ञासा और बढ़ेगी।